याददाश्त, निर्णय लेने की क्षमता और सोचने समझने की क्षमता में कमी आना डिमेंशिया के लक्षण हैं। जब इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है उसे डिमेंशिया कहते हैं। दुनिया भर में उम्रदराज के लोगों के बीच निर्भरता और विकलांगता के प्रमुख कारणों में से ये एक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोगों को डिमेंशिया है और करीब 1 करोड़ नए मामले हर साल आ रहे हैं। इसको लेकर एक नई रिसर्च में भविष्यवाणी की गई कि डिमेंशिया पीड़ितों की वैश्विक संख्या 2050 तक करीब 3 गुना तक हो सकती है। रिसर्च के हवाले से विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि लोग नियमित व्यायाम करें, धूम्रपान नहीं करें, अल्कोहल से परहेज करें, वजन पर कंट्रोल पाएं, स्वस्थ डाइट खाकर और स्वस्थ ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को बनाए रखकर डिमेंशिया के खतरे को कम किया जा सकता है। डिमेंशिया के अतिरिक्त जोखिम कारक में डिप्रेशन, शिक्षा की कमी, सामाजिक आइसोलेशन शामिल है। इन क्षेत्रों पर भी डिमेंशिया के खतरे को कम करने के लिए ध्यान देने की जरूरत है। 27 जुलाई को अल्जाइमर एसोसिएशन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में पेश किए गए नए डेटा के मुताबिक अनुमान लगाया गया है कि दुनिया में 15 करोड़ मिलियन से ज़्यादा लोग डिमेंशिया के साथ रह रहे होंगे। 2019 में 5 करोड़ 57 लाख से बढ़कर 2050 में संख्या के 15 से ज़्यादा होने का अनुमान लगाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने डिमेंशिया का अध्ययन किया। इसके लिए उन्होंने 1999 और 2019 के बीच इस्तेमाल किए गए डेटे का इस्तेमाल किया है। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।